डीपीओ टोबा राणा उमर फरूक ने कहा कि एसएचओ थाना सिटी टोबा सब इंस्पेक्टर कैसर नदीम भिंडर ने शहरियों में खौफो हिरास फैलाने वाले तीन रुकनी डाकुओं के ग्रोह को सरगुना समेत गिरफ्तार करके छीने गए मोटरसाइकिल और नकदी बरामद करके अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एसडीपीओ सर्कल टोबा मकबूल सरदार की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी टोबा सब इंस्पेक्टर कैसर नदीम भिंडर की क्रिमिनल अपराध के खिलाफ कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। एसएचओ थाना सिटी टोबा सब इंस्पेक्टर कैसर नदीम भिंडर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर मजहर तबस्सम ने टोबा के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर तीन डाकुओं को सरगुना समेत गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार डाकुओं हमाद भट्ट, सलमान जट और जुनेद राजपूत ने पुलिस को बताया कि उन्होंने टोबा शहर में मुतद्दिद वारदातें की हैं। एसएचओ कैसर नदीम मिंडर ने गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से दो मोटरसाइकिलें, 6,000 की नकदी और एक अदद पंप एक्शन राइफल, 12 बोर और एक अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं एसएचओ थाना सिटी टोबा कैसर नदीम विंडर और इनकी टीम को शाबाश के साथ साथ नगद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी करता हूँ। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ टोबा राणा उमर फरूक ने प्रेस रिलीज में किया। इस मौका पर पीआरओ एएसआई मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे।